यूपी पुलिस अपने कारनामे के कारण फिर सुर्खियों में है। अलीगढ़ में एफआईआर लगाने के नाम पर एसएसआई ने पीड़ित से घूस मांगी तो औरैया में मेले की ड्यूटी में लगाए गए पुलिसकर्मी जुआ खेलते हुए दिखाई पड़े। यही नहीं, यहां पुलिसकर्मी जुए की फंड में रुपए लगाते और वसूली करते भी नजर आ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी पुलिस फिर सुर्खियों में है। अलीगढ़ में एफआईआर लगाने के नाम पर एसएसआई का वीडियो वायरल हुआ तो औरैया में मेला ड्यूटी में लगाए गए पुलिसकर्मी जुआ खेलते दिख रहे हैं। बात पहले अलीगढ़ पुलिस के कारनामे की करते हैं। यह थाना सासनी गेट का एसएसआई सुरेंद्र बाबू जानलेवा हमले के केस में एफआईआर लगाने के नाम पर रिश्वत मांग रहा था, जिसका वीडियो वायरल हो गया। पीड़ित की शिकायत पर एसएसपी ने जांच कराई तो मामला सही पाया गया, जिसके बाद एसएसआई सुरेंद्र बाबू दोहरे को निलंबित कर दिया गया है। विवादित वीडियो आया हुआ था मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया ग्रुप पे, जिसके द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक जांच दी गई थी। जांच किए जाने पर प्रथम दृष्टया उस जांच में दोषी पाया गया, जिसके आधार पर जांच आख्या के आधार पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उनको निलंबित किया गया है। पूरी जांच अभी जो प्रक्रिया है वो जांच प्रक्रिया निलंबन के आधार पर और जाँच गहराई से की जाएगी। वहीं औरैया में भी मित्र पुलिस का फोटो वायरल हुआ है। यहाँ मेले में ड्यूटी पर तैनात पुलिस के जवान जुआ खेलते नजर आ रहे हैं। यही नहीं, मेले में सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगाए गए पुलिसकर्मी जुआ की पड़ में रुपए लगाते और वसूली करते भी दिख रहे हैं। ये सभी बबीना पुलिस चौकी में तैनात है। ये प्रकरण अभी हमारे संज्ञान में आया, लोगों के ही माध्यम से संज्ञान में आया। इस प्रकरण में मैंने एक जांच करके एक रिपोर्ट हमारे पास प्रेषित कर, रिपोर्ट में सत्यता पाए जाने पर आगे जो है उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर दी जाएगी। एफआईआर लगाने के नाम पर वसूली करने वाले एसएसआई को तो सस्पेंड कर दिया गया, मगर जुआ खेलने और वसूली करने वाले पुलिस कर्मियों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।